Hello, students. Myself, Anshita Chandel, Assistant Professor of Zoology in Sri Bahadur Khalsa College, Sri Anandpur Sahib. As you all know, our college has started online classes for various competitive exams. So, this is the very first video of a series of videos that I'm going to do here. Hopefully, these videos will help you to understand various important topics.

सो so, आज के टाइम में डिजीज जो हैं वो आर एक तरह से काइंड ऑफ पार्ट ऑफ आर लाइफ है ना सो यू वुड ऑफन हेअर्ड कि आपके जो एल्डरली पीपल हैं जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कोई बुज़ुर्ग हैं वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि लेग पेन है या बीपी की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है सो वट आर ऑल दीज दीज आर नथिंग बट द डिज़ीज़ सो ड्यू टू दिस प्रॉब्लम पर्सन इज़ नॉट सेट टू बी हेल्दी आप पर्सन नहीं कहो कि हाँ वो हेल्दी है नहीं इनको प्रॉब्लम है तो वो हेल्दी नहीं है ठीक है सो ये डिज़ीज़ डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं या तो कोई डिजीज़ बचपन से हो सकती है या तो हमारे जेनेटिक के थ्रू आई हो मतलब आपकी हेरिटरी के थ्रू आई हो हमें आपके पेरेंट्स से मिली हो ठीक है कुछ डिजीज होती हैं जो एक्वायर्ड होती हैं जो हमें बर्थ के बाद किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू मिलती हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर या आपका एन्वायमेंट ऐसा है उससे आपको गेन हो होगी है ना सो देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ उनके काज एजेंट भी अलग होते हैं उनके सिम्टम्स भी अलग होते हैं उनके प्रिवेंटिव मैथड भी अलग होते हैं so, सो हम यहाँ पे डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे सो so, आपके हिसाब से गुड हेल्थ है क्या क्या हम बोल सकते हैं जिसको कोई डिजीज़ नहीं है वो हेल्दी है क्या हेल्दी और डिजीज ना होना सेम बात है एक ही बात है क्या दोनों नहीं जब हम हेल्दी की बात करते हैं तो सिर्फ फिजिकल फिटनेस को ही नहीं कंसीडर करते ठीक है सो इट कुड बी डिफाइन एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग मतलब फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए मेंटल भी हो, फिट होना चाहिए और सोशली भी वो हो, इंटरेक्टिव होना चाहिए सपोज करो अगर किसी को फीवर है तो क्या आप उसे हेल्दी बोलोगे नो no, नहीं बोलोगे

ठीक है सो अब इस केस में आप फिजिकली तो फिट हो पर क्या आप मेंटली फिट हो द आंसर इज डेफिनेटली नो सो हेल्दी यही नहीं है हेल्थ आप इसी के बारे में बात नहीं करते हो कि सिर्फ आपको फिजिकली फिट होना है सो हेल्दी टॉक्स अबाउट कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग मीन्स फिजिकल फिट होना कंप्लीट फिट होना राइट right? मेंटल मतलब आपकी हेल्थ जो है आपकी जो आपको कोई डिप्रेशन नहीं है आप हैप्पी फील करो सोशल वेलविंग मतलब आप कहाँ रह रहे हो क्या आपका सोसाइटी जो है वो क्लीन है जो आपके नेबर्स हैं क्या वो फ्रेंडली हैं ओके एक आप सिनेरियो ले लो अगर एक तरफ जो है एक पर्सन ले लो जो एक साफ जगह पर रहता है जिसके आपका एन्वायरमेंट बहुत क्लीन है और उसके जो नेबर हैं वो नेबरहुड जो है उसका बहुत ही फ्रेंडली है सो so, वो जो बंदा है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में है सो so, वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट है अगर दूसरी तरफ आप एक सन्ारो ले लो एक पर्सन है वो अनहेल्दी स्लम्ब में रहता है और जो उसका इन्वायरमेंट है जो है, उसके फ्रेंड्स हैं या उसका जो नेबरहुड है वो कैसा है अब्यूजिव है वो हमेशा लड़ाई उसमें ही रहता है लड़ने की उस पर ताकब ही रहता है सो so, वो उसका क्या है सोशल वेलबींग कैसा है पुअर है सो गुड हेल्थ का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग सो so, हम बोलते भी हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ क्यों बोलते हैं हम हेल्थ इज वेल्थ एक्चुअली जब वेन पर्सन आर हेल्थी दे आर मोर एफिशियंट एट वर्क सो उससे क्या होता है इनकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली आप क्या इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी लाते हो सो वेन पीपल आर हेल्थी दे आर मोर एफिशियंट एट वर्क एंड दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी

डिजीज़ वर्ल्ड का ही मतलब होता है डिस्टर्ब ईज ठीक है हमारी ईज को जो हमारी उसको डिस्टर्ब करना ठीक है सो so, डिजीज़ जो है वो आइदर आपको इसमें आपकी फंक्शनिंग चेंज हो जाती है आपके बॉडी पार्ट्स की बॉडी के सिम्टम्स आपके जो सिस्टम्स होते हैं उनकी या बॉडी की अपेयरेंस की सो डिजीज़ रिजल्ट इन अ चेंज इन आइदर द फंक्शनिंग और द अपेरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम्स ऑफ बॉडी फॉर वर्ड्स ठीक है सो so, नेक्स्ट है आपके सिम्टम्स और साइंस ऑफनली क्या होता है हम सिम्टम्स और साइंस हमें लगता है दोनों एक ही चीज़ है बट वो दोनों एक चीज नहीं है एक्चुअल में सिम्टम्स जो होते हैं वो सिम्टम्स जो होते हैं एक तरह से सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर थिंग्स वी फील एज बींग रॉन्ग हमें लगता है कि कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है एग्जाम्पल अगर आपका नॉर्मल डेज हैं आप हेल्दी फील करते हो बट एक दिन आपको क्या हैड होना शुरू हो गई ठीक है सो आपको पता है समथिंग इज रॉन्ग समवेयर राइट सो हो सकता है आप पूरी रात नहीं सोए हो तभी आपको हैड हो रही है हाँ so है ना सो सिम्टम्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि दे माइट बी अ डिजीज मतलब डिजीज हो सकती है अब पक्का श्योरिटी भी नहीं है कि सिम्टम्स हैं तो आपको डिजीज होगी होगी सपोज अब मैंने आपको पहले बताया आपको हेड क्यों हो सकती है हो सकता है आप रात को सोई ना हो ठीक है हो सकता है आप बहुत देर तक सनलाइट के अंदर बैठे रहे हो उधर तब भी आपके सिर दर्द हो सकती है अब ये तो नहीं है कि आपको कोई डिजीज है तो चांसेस है कि कोई डिजीज है पर पक्का भी नहीं है तो जो सिम्टम्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि दैट देअ माइट बी अ डिजीज और वैसे ही आपके साइंस हुए साइन जो होते हैं ये पूरा कंफर्म करते हैं जो कि हाँ डिजीज़ है ये साइंस जो है ये वो चीज़ें हैं जो डॉक्टर देखता है किसी पेशेंट में और उसके हिसाब से वो बताता है कि हाँ इस पेशेंट को पर्टिकुलर ये डिजीज़ है या नहीं है पूरी कंफर्मेशन देता है कि हाँ ये डिजीज़ प्रेजेंट है कि नहीं है ओके सो साइंस जो है वो इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़ साइन कन्फर्ट करते हैं कि यस yes, डिजायर कोई भी डिजीज़ जो है वो उस बंदे में प्रेजेंट है बट जो सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि डिजीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ओके सो डिजीज़ में भी रिस्पॉन्स टू कैसे कैसे डिजीज़ आपकी रिस्पॉन्स कर सकती है सो so, हो सकता है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहे हों सपोज माल न्यूट्रिशन रहा हो माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है लैक ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिशन इन बॉडी सो जैसे आपकी मैरामस की डिजीज़ होती है या आपकी क्वाशियॉर्क डिजीज़ होती है वो जो है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है ना या हो सकता है कोई इंडस्ट्रियल हेजार्ड रहे हों हो सकता है इंडस्ट की, की जो आपकी इंडस्ट्रीज़ है उसके हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में एंटर कर चुके हों रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू या स्किन के थ्रू सो उससे क्या होता है आपको एलर्जीज होती है रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है कोई क्रॉनिक डिजीज़ और भी हो सकती है या फिर अस्थमा हो गया ठीक है या फिर लंग के डिसफंक्शनिंग हो गई या आई की डिजीज़ हो गई है ना इसकी वजह से कोई डिजीज़ हो जाए तो वो किसकी वजह से वो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है कोई स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट रहा हो जैसे कोई वॉर्म रहे हो कोई प्रोटोजोन्स रहे हो कोई फंजाई रही हो उसकी वजह से कोई हो सकती है डिजीज आपको या तो कोई आप इनहेरिट कर चुके हो अपने हेरिडिटी के थ्रू आपको मिल रही हो जेनेटिक एबनॉर्मिलिटीज की वजह से आपको मिल रही हो जैसे थैलसीमिया थैलसीमिया में क्या होता है इस डिसऑर्डर में आपके जो है जो लोअर कंपैरिजन में लोअर नंबर का जो है आपका अमाउंट जो होता है ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन का वो कम हो जाता है ठीक है जो जिस जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है उसका अमाउंट जो है वो कंपैरिजन में कम हो जाता है या फिर आपका डाउन सिंड्रोम की बीमारी हो जाए वो भी आपका जेनेटिकली एबनॉमिल्टीज ही है या सिक्कल सेल अनिमिया सिक्कल सेल अनिमिया में जो आपके आरबीसीज होते हैं उनकी शेप जो है सिक्कल की तरह हो जाती है सिक्कल मतलब आपके धराटी बोलते हैं जैसे ठीक है उसकी उसके शेप में हो जाती है जैसे ठीक है सो होता क्या है जो आरबीसीज जो हैं जो राउंड होते हैं वो जो है थोड़ा सा कंप्रेस हो जाते हैं ठीक है उनकी शेप जो है चेंज हो जाती है अगर आरबीसी की शेप जो है चेंज हो जाए इसका मतलब क्या है जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा है ना सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट्स भी होते हैं या फिर आपकी इनहेर भी हो सकती है डिजीज को काउ करने के लिए या फिर इन तीनों के तीनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है राइट सो so, डिजीज जो है वो थ्री टाइप की होती हैं एक कंजेनिटल टाइप की मतलब जो जन्म डिजीज हुई ठीक है सो ये जो होते हैं जो आपके कुछ फॉल्ट हो जाती है आपके क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर्स में ठीक है और ये एक तरह की ऐसी मेडिकल कंडीशन है ना जो प्रेजेंट होती है बर्थ से पहले सो so, इसको बर्थ डिफेक्ट भी बोल देते हैं ये डिजीज स्टेज जो जो होती है जब आप वॉर्म में होते हो मदर की उस टाइप जो है जो आपकी डेवलपमेंट हो रही है ना उस टाइम में जो भी आपने एक्वायर्ड कर लिए हैं चेंजेस उससे जो डिजीज होती है वो होती है आपकी कंजेनेटिव डिजीज एग्जाम्पल है इसका आपकी हेयरलिप जो बीच से कुछ आपने देखा बीत से जो होंट जो है वो स्प्लिट uh, हुए होते हैं है ना सो so, ये वाली डिजीज क्लब फोर्ड या मंगोलिज्म ये सारी जो डिजीज हैं वो कैसी डिजीज हैं कंजेनेटिव डिजीज़ हैं जो जन्मजात से हुई हुई डिजीज़ हैं सो सेकेंड डिजीज़ होती है आपकी हेरडिटी डिजीज हेरडिटी डिजीज जो हैं दीज डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन आर टर्म एज हाइड्रेटी डिजीज़ सपोज जो आपकी हाइड्रेट मतलब आपको पेरेंट से जो आपको जे जी, आपकी जीन्स के थ्रू आपको जो डिजीज़ मिल रही है वो चीज़ होती है आपकी हाइड्रेटरी डिजीज़ जैसे आपकी हीमोफेलिया या आपकी कलर्ड ब्लाइंडनेस ओके okay? सो so, नेक्स्ट है आपकी एक्वायर डिजीज़ एक्वायर डिजीज़ ऐसी डिजीज होती हैं जो हमें बर्थ के बाद हम उस डिजीज़ को एक्वाइड करते हैं ओके okay? सो एक्वायर डिजीज में अगेन दो टाइप की हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज कॉम्युनिकेबल डिजीज जो हैं दीज आर काज ड्यू टू एंट्री ऑफ डिजीज काजिंग जर्म्स कॉल्ड पैथोजन्स इन टू द बॉडी एंड आर इज़ली ट्रांसमिटेड फ्रॉम बर्न पर्सन टू अनदर बाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट और थ्रू अ कैरियर विच इज कॉल्ड वैक्टर एग्जाम्पल इसका एनोफिलीज ठीक है सो so, ये जो है कॉम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है वो होती हैं ओके okay? जो कॉम्युनिकेबल डिज़ीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं अलग अलग कॉजेटिव एजेंट्स के तो कॉजिट एजेंट कौन कौन से होते हैं वायरस हो गए बैक्टीरिया हो गए प्रोटोजोल हो गए आपके हेलमिथस हो गए पंजा हो गए ठीक so, है सो कॉम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो आपको डायरेक्टली एंट्री से हो जाती हैं ठीक है ठीके? सो so, अब हम देखते हैं डिजीज़ काज बाय वायरसेस सो फर्स्ट डिजीज़ है आपकी मम्स सो मम्स जो है वो कौन से वायरस से होती है पैरामाक्सो वायरस से होती है ठीक so, है सो मम्स जो है वो अफेक्ट करते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड ऐसे ग्लैंड हैं जो आपका सलाइवा जो है उसको बनाने में हेल्प करते हैं सो so, इसमें क्या होता है आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो आपके ईयर के पास होते हैं सो so, इस डिजीज़ में क्या होता है आपके जो ईयर के साथ वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है ठीक है सो ये स्प्रेड कैसे होती है डिजीज़ बाय इन्फेक्टेड सलाइवा से नेक्स्ट है आपकी पोलियो पोलियो जो है ये पिकॉर्नो वायरस से होती है ठीक है और ये ट्रांसमिटेड होती है बाय कंटेमिनेटेड वाटर फूड या फिर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के साथ भी इन्फेक्टेड पर्सन से हो जाती है सो so, इसमें होता क्या है मसल्स की जो है वो वीक हो जाते हैं मसल की वीकनिंग होती है ठीक है उससे क्या होता है आप जो है मूव नहीं कर पाते एक इनएबिलिटी आ जाती है आपके मूवमेंट से सो so, इंडिया में तो अब है कि पाँच साल तक जो है वो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स जो है पिलाते हैं है ना सो so, एक अच्छी बात भी ये है कि जो लास्ट रिपोर्टेड केस है पोलियो का वो वेस्ट बंगाल में और गुजरात में थर्टीन जनवरी टू में देखा गया है ठीक है सो so, उसके बाद ये चीज़ अब तक नहीं देखी गई और ट्वेंटी मार्च 2014 को जो डब्ल्यू एच ओ है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री का एक डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया एक तरह से पोलियो फ्री कंट्री है ओके सो इट्स अ गुड न्यूज़ सो थर्ड है आपकी डेंगू डेंगू डिजीज जो है वो आर्बो वायरस से होती है और ये एक तरह से मस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जो आपकी जो एडीज मस्कीटो होते हैं उनकी बाइट से होते हैं सो so इसके जो सिम्टम्स है वो थ्री से फोर्टीन डेज के बाद ही आपको देखने को मिलते हैं देन नेक्स्ट है आपकी रेबीज रेबीज जो है वो आपको पता ही होगा ये जो डॉग हैं उनके काटने से या जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके काटने से उनके सलाइवा के थ्रू होती है और इसमें क्या होता है हाइड्रोफोबिया आपको पानी से डर लगता है शिवरिंग होती है फीवर्स होते हैं लेटर ऑन स्टेजेस में कोमा भी हो सकता है कोमा के बाद आप फाइनली डेथ भी हो सकती है सो so ये कौन से वायरस से होता है ये आपके रैपडो वायरस से होता है नेक्स्ट है आपकी मीजल्स मीजल्स जो हैं ये अगेन सेम आपके जैसे मम्स वाला वायरस है सेम उसी वायरस से होता है पैरामाक्सो वायरस से होता है सो so इसमें जनरली जो है आपकी छोटे बच्चों में ही देखा जाता है मीजल्स को बीमारी को और ये एक तरह से स्प्रेड होती है थ्रू एयर बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो किसी ने कफ करके या फिर स्नीजिंग के थ्रू जो एयर में आ चुके हैं सो so, इसमें आपको छोटे छोटे जनरली जो है वो दाने जो है बॉडी पे दिखते हैं छोटे छोटे दाने से होते हैं रैशेज से होते हैं बॉडी में मीजल्स में देन है आपकी इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा जो है आपकी ये मिक्सो वायरस से होती है और ये अटैक करता है आपकी लंग्स में नोज में और थ्रोट में जनरली ये, ये यंग चिल्ड्रंस में या फिर बड़े बुजुर्गों में या जो आपकी प्रेग्नेंट वूमेंस होती हैं ठीक है उनमें जेंडरिक डिजीज जो है वो इजीली हो जाती है और या फिर कोई ऐसे भी लोग जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो खराब है थोड़ा कमज़ोर है वो ये लोग जो है इस इन्फ्लुएंजा की डिजीज में हायर रिस्क पे होते हैं देन है आपकी स्मॉल पॉक्स जो वेरियोला वायरस से होता है ये भी आपकी एयरबॉन्न डिजीज है ये स्प्रेड करती है बहुत जल्दी और ये भी कफिंग्स में स्नीजिंग से या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी ये फैल जाती है ओके okay? और ये भी एक एक और गुड न्यूज़ है यहाँ पे भी कि जो स्मॉल पॉक्स हैं ये भी डिक्लेयर किया गया है इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री वो ट्वेंटी थ्री अप्रैल नाइनटीन सेवेंटी सेवन में ओके okay? नेक्स्ट है आपकी डिजीज हपेटाइटिस सो हैपेटाइटिस को याद करना इजी रहेगा क्योंकि हेपेटाइटिस का वायरस क्या है हैपेटाइटिस है वायरस सो है। so, इसका वायरस का नाम आपको ईजीली याद हो जाएगा सो so, हैपेटाइटिस भी एक तरह से इम्प्लीमेंट्री कंडीशन है आपकी लीवर की जो लेटर ऑन स्टेजेस में जाके आपको लीवर कैंसर या ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं द नेक्स्ट है आपका रुबेला रुबेला का वायरस भी एग्जैक्ट रुबेला वायरस है सो तो इसको याद करना भी ईजी रहेगा सो so, रुबेला जो है ये जो है स्प्रेड होती है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सलाइव ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू एयर और ये भी है आपको कफिंग या स्नीजिंग की वजह से जो हो गई होती है वैसे तो रुबैला को आप इतना सीरियस नहीं लेते थोड़ा माइल्ड डिजीज़ ही बोलते हैं बट या जो प्रेग्नेंट वूमेंस होती हैं ट्वेंटी वीक्स की जब उनका एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा होता है सो तो उस टाइम जो उस एम्ब्रियो को इफेक्ट ये ज़्यादा कर सकता है उनके हार्ट को उस एम्ब्रियो के ब्रेन को उसकी आइज़ को उसके ईयर्स को ये डैमेज पहुँचा सकता है नेक्स्ट डिजीज़ है आपकी एड्स एड्स को अगर मैं इलाबरेट करूँ तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम सो एड्स जो है ये भी काफ़ी नोन है इसके बारे में तो सबको ऑलरेडी पता ही होता है सो so, ये आपका एक तरह से रिट्रो वायरस होता है एच आई वी ये उससे होती है सो एच आई वी की अगर आप एलाब्रेट करो तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस सो एड्स भी एक तरह से आपकी जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का उसको अफेक्ट करती है नेक्स्ट डिजीज़ है आपकी सार्स डिजीज सो सार्स डिजीज है ये सार्स कोरोना से होती है जो आजकल बड़ा ही पॉपुलर डिजीज़ हो चुकी है करोना के बारे में है ना सो so, करोना क्या है एक तरह से रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ही है सो so, इनको हम कुछ डिजीज़ को हम नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से एलाबरेट करके पढ़ेंगे सो so, इसको भी हम वहाँ पे अलाबरेट करके अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट है आपकी एनसीफेलाइटिस जो ये डिज़ीज़ है ये इन्फ्लोमेशन करती है आपके ब्रेन में सो ऑफन काज ऑनली माइल्ड फ्लू ही आपको दिखता है कि हाँ थोड़ा बहुत जैसे माइल्ड फ्लू जो होता है उसके थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं बुखार हो गया वीकनेस हो गई है ना सो so, सिम्टम्स बहुत छोटे मोटे दिखते हैं इसमें बट ये डिजीज़ जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है आपके ब्रेन को डैमेज कर सकती है कभी कभी तो इस डिज़ीज़ में आपको सिम्टम्स भी नहीं दिखते ठीक है ठेके? कुछ सिम्टम्स ये भी होते हैं कि फीवर हो गया शिवरिंग हो गई या एक्सेसिव सेंसिटिविटी होती है आपको लाइट को ठीक है लाइट के पास जाओ तो बहुत आंखें ब्लिंक करते हैं या बहुत सेंसिटिव सा फील करते हो ठीक है सो ये होती है आपकी फ्लैवी वायरस से फ्ला वायरस से नेक्स्ट है आपका इबोला इबोला जो है ये फिलो वायरस से होता है और ये स्प्रेड होता है आपकी बॉडीली फ्लूड से बॉडी के फ्लूड जैसे सलाइवा हो गया ब्लड हो गया ठीक है इन सब से ये स्प्रेड होता है और टू और 15 में ये डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी सो so, इसके बारे में भी हम एलाबरेट करके पढ़ेंगे नेक्स्ट है आपका बर्ड फ्लू जो एच फाइव एन वन से होता है देन चिकन पॉक्स जो वारसेला जो है आपका वायरस उससे होता है सो चिकन पॉक्स में भी आपको बहुत इचनेस होती है बहुत ख़ारिश होती है बॉडी में छोटे छोटे ब्लिस्टर्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं है ना हाई फीवर होता है आई uh, थिंक इसको बोलते हैं कि माता निकल गई ऐसा बोलते हैं है, है ना सो so, पहले टाइम में बोलते थे कि हाँ किसी भगवान का प्रकोप है तो माता निकल के है ना बट अब पता है कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि भगवान कभी अपना प्रकोप ऐसे दिखाएंगे ही नहीं है हाँ ना सो मीजल्स जो हैं एक तरह से छोटे छोटे दाने होते हैं बट ये जो आपकी मीजल्स सॉरी चिकन पॉक्स जो है वो मीजल के कंपेरिजन में थोड़े बड़े दाने होते हैं जो मीजल होते हैं उसमें क्या पड़ा था हमने छोटे छोटे दाने पड़े थे सो so, जो चिकन पॉक्स है इसके जो कंपेरिजन में थोड़े बड़े दाने होते हैं चिकन पॉक्स में ओके नेक्स्ट है आपका चिकनगुनिया सो चिकनगुनिया अल्फ़ा वायरस से होता है इसको कॉमनली आपके मानसून का सीज़न है उसी में होता है क्योंकि मानसून के सीज़न में ही आपके मच्छर ज़्यादा होते हैं सो ये जो है आपका एडीज मस्किटो है ये उससे होता है सो इसमें क्या होता है फीवर होता है जॉइंट पेंस होती है ठीक है और जनरली ये बीमारी ऐसा नहीं है कि फैटल ही है इससे मर ही जाते हैं बट इससे क्योर इसका हो जाता है नेक्स्ट है आपका स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू जो है वो आपका एच वन एन वन से होता है सो so, ये आपके पिग्स में इसके स्ट्रेन जो हैं आपको दिखते हैं और अभी लेटेस्टली थ्री मई को ही ट्वेंटी ट्वेंटी में भी आसाम में जो है हमने डिटेक्ट किया कि ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पिग्स जो हैं वो जो हैं स्वाइन फ्लू की वजह से मर गए हैं ठीक है असम के तीन सौ छः विलेज़ में जो है थ्री हंड्रेड सिक्स विलेज़ में जो है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड जो आपके पिग्स हैं वो स्वाइन फ्लू की वजह से मर गए हैं ओके So, अब जो है आपकी ट्रिक क्या है इस वायरस की डिजीज को याद करने की सो so, एक मैंने फ्रेज बनाई है ठीक है सो ये फ्रेज है एम वाले डॉक्टर मिश्रा ने सी कर सी कर मतलब सी एस ई -E -E, सी का मतलब मतलब देखना ठीक है सो सी कर बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू डिस्कवर किया मतलब जो आपके एम पी वाले डॉक्टर मिश्रा है उन्होंने देख कर बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू को डिस्कवर किया है ठीक है सो अब एम पी वर्ड से आपको पता लग रहा है एम से आ गया मम्स पी से आ गया पोलियो अब डॉक्टर के डी से आ गया डेंगू आर से, से मीजल्स आई से इनफ्लुक्स एच से H से R से, A से सो ये याद रह जाएगा आपको एम पी डॉक्टर मिश्रा ठीक है सी सी मतलब देखना सो एस -E -E, एस से आ गया सार्स, e से इबोला अब एक और बीमारी और कौन सी आपको पता है वायरस से होती है बर्ड फ्लू होता है सो बर्ड फ्लू बर्ड बर्ड का मतलब पक्षी तो पक्षी के नाम से आपको ये दो याद रह जाएंगे रिलेटेड है ना चिकन पॉक्स और चिकन गुनिया सो so ये भी इससे रिलेटेड है तो ऐसे याद रहेगा और स्वाइन फ्लू तो आपके ऐसे पेज में आ ही रहा है so सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इनमें से बताओ कौन कौन सी डिजीज जो है वो वायरस से हो रही हैं तो अगर आप ये वाले जो फ्रेज है उसको याद रखोगे तो आपको इजीली याद रहेगा कि कौन कौन सी डिजीज है वो वायरस से हुई है ठीक so, है सो नेक्स्ट है आर ए डिजीज काज बाय बैक्टीरिया सो so, फर्स्ट डिजीज है आपकी साइफिलिस जो साइफिलिस डिजीज है ये आपकी ट्राइपोनीमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से होती है ये यूजली जो है आपके जो सेक्शुअल uh, कॉन्टेक्ट्स जो हैं उनसे ही ये स्प्रेड होती है सो यूजली स्प्रेड बाय सेक्शुअल कॉन्टेक्ट्स दैट स्टार्टड एज पेनलेस सॉर जो है आपकी बॉडी में वो फॉर्म करना शुरू हो जाते हैं सो so, ये सोर्स जो है ये यूजली जो है ये अपेयर करते हैं सेक्शुअल ऑर्गन्स पे या रेक्टम पे या आपके माउथ में ओके okay? नेक्स्ट है आपकी टेटनस टेटनस डिजीज जो है वो आपकी क्लाइमेडिया ट्राइकोमैटस जो है इससे जो है ये होती है इस बैक्टीरिया से होती है और यह आपका नर्वस सिस्टम जो है उस पर इम्पैक्ट करती है नेक्स्ट डिजीज़ है टाइफॉइड सो so, टाइफाइड जो है ये आपकी सेलमोनीला टाइफी बैक्टीरिया है उससे ये डिजीज़ होती है सो so, ये डिजीज़ काफ़ी कॉमन है इंडिया में और ये स्प्रेड होती है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर या फूड सो so, इसमें होता क्या है आ, फीवर होता है वॉमिटिंग स्वेटिंग हो जाती है हार्ट एक होता है डारिया होता है ठीक है so, सो प्राइमरीली जो है ये पैथोजन जो है आपका जो बैक्टीरिया है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पर पहुँचता है ठीक है फिर पे वहां आप पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करता है सो so इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ब्लड कल्चर टेस्ट है वो करते हैं यूरिन टेस्ट है उसको कर लेते हैं एक वाइडल टेस्ट होता है वो उसको भी हम परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है और इसको हम एंटीबायोटिक लेके भी क्योर कर सकते हैं नेक्स्ट है आपकी गनौरिया सो गनौरिया जो है डिजीज जो है ये बैक्टीरिया नाइसिसरिया गनोरिया से होती है सो तो ये गनोरिया नाम बैक्टीरिया में भी आ रहा है सो तो आपको याद करना ईजी रहेगा सो तो ये भी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते तो ये इससे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है नेक्स्ट है आपकी निमोनिया सो तो निमोनिया जो है ये होता है आपका बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से सो स्टेप्टोकोकस निमोनिया जो है ये डिजीज़ करता है निमोनिया सो निमोनिया भी बहुत कॉमन है इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली टेन मिलियन केसेज होते हैं पर ईयर सो निमोनिया में आपका क्या है लंग जो है उसका इन्फेक्शन होता है सो so, लंग के अंदर आपको पता है एल्विलाई जो है एयरसेक जो एलवलाई है वो प्रेजेंट होते हैं सो निमोनिया में जो आपके एलवलाए होते हैं उसके अंदर फ्लूड फ्लूड या कह लो पस जो है वो फॉर्म हो जाती है अगर पस फॉर्म होगी तो इसका मतलब क्या है जो आप ब्रीद कर रहे हो ब्रीदिंग में क्या होगी डिफिकल्टी होगी ठीक है so, सो पैथोजन की जो है इस पैथोजन की जो एंट्री वो कैसे हो रही है कंटेमनेटेड एयर से हो रही है ना सो so, आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में रह जाते हैं तो नॉर्मल पर्सन भी वो अगर ड्रॉपलेट्स ले लेता है तो वो उसको भी ये बीमारी हो जाती है इसमें भी आप एंटीबायोटिक ले सकते हो म्यूकस टेस्ट होते हैं चेस्ट के एक्सरे वाले इसके जो है ट्रीटमेंट होते हैं है आपका प्लेग प्लेग जो है ये डिजीज़ जो है ये होती है आपकी यर्सनिया पेस्टिस से जनरली ये डिजीज वैसे तो रेयर है पर अगर हो जाए तो ये बहुत ज्यादा सीरियस भी होती है ठीक है सो ये ट्रांसमिटेड बाय प्लीज प्लीज जो है वो उसकी वजह से ये होती है और आपने सुना होगा प्लेग जो है उसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं ब्लैक डेथ क्यों बोलते हैं क्योंकि इस डिजीज़ में जो आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो जो है वो काले हो जाते हैं ब्लैक पड़ जाते हैं और इसमें स्वेलिंग हो जाती है तो एक तरह से बॉडी भी कैसी ब्लैक सी फॉर्म हो जाती है सो so, नाइनटीन में जो है इंडिया में जो है प्लेग का आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हो गया था सो जनरली पर्टिकुलरली आपकी जो सूरत है गुजरात में ये वो बाहर बहुत ज़्यादा प्लेग जो है वो फैल गया था 1994 में और वहाँ पे बहुत सारी डेथ भी हुई थी प्लेग की वजह से नेक्स्ट है आपकी टीबी सो so, टी बी जो है ट्यूबल क्लासेस ये माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबल क्लासेस से ये डिजीज़ जो होती है और ये डिजीज़ भी लंग को जो है वो अफेक्ट करती है ये डिजीज़ भी इंडिया में बहुत कॉमन है और डब्ल्यू के हिसाब से जो है टीबी का बर्डन जो है वो इंडिया में वैसे ही बहुत ज़्यादा है सो so, ये डिज़ीज़ भी इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर खांसी कर दी या उसने स्नीज कर दिया या उसने छींक दिया तो आपको ये डिज़ीज़ हो सकती है सो so, आपने बहुत सुना भी होगा टी के लिए तो आपकी जो डिजीज़ सॉरी जो मेडिसिन है डॉट वो यूज़ करते हैं पर डॉट मेडिसिन का ये केस है अगर आपने एक भी उसका डोज जो मिस कर दिया ना सो so आपको ट्रीटमेंट जो है वो सारा खराब हो गया सो so, वो ट्रीटमेंट शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है मतलब एक भी डोज जो है वो डॉट मेडिसिन की आप मिस नहीं कर सकते नेक्स्ट है आपकी डिजीज लेप्रेसी सो so, लेप्रेसी जो है वो माइक्रो बैक्टेरियम जो है उससे होती है सो so, लेप्रेसी जिसको आप कुछ रोग भी बोलते हो कुष्ठ रोग है ना सो so, या फिर आप इसको हैंसन्स डिजीज भी बोल देते हो इसमें आपकी जो है पैरिफ्र नर्व सिस्टम है ना बॉडी का वो इफेक्ट करता है स्किन आइज़ भी उसमें इफेक्ट होती है सो so, इंडिया में करंटली जो है आपका नेशनल लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम भी चल रहा है बट स्टिल अभी भी बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में इसके लेप्रेसी के सो so, लेप्रेसी का एक हिस्ट्री का कनेक्शन भी है कि जो लॉर्ड कृष्णा थे उनके उसके उनके बच्चे को आ, आपका लेप्रिस कुष्ठ रोग था तो उस वो कुष्ठ रोग ठीक हो गया था तो तो इस खुशी में उन्होंने कोनाक टेंपल जो है उसको बनाया था जो सन टेंपल है उसको बनाया था ठीक है सो so, देखेंगे हम इसको भी आगे नेक्स्ट है आपका कॉलरा सो so, कॉलरा जो है आपका विब्रो कॉलरा से होती है और ये भी एक तरह से बॉर्न डिजीज़ है जैसे हम प्लेग को ब्लैक डेथ बोलते हैं वैसे ही कॉलरा को हम ब्लू डेथ बोलते हैं ब्लू डेथ क्यूब बोलते हैं इसमें जो पर्सन जो है जो मर रहा होता है उसकी बॉडी में जो है बहुत सारा लॉस हो चुका होता है फ्लूड का अब बॉडी में फ्लूड का अगर लॉस हो जाए तो आपकी बॉडी का कलर कैसा आता है ब्लूइश सा ग्रे सा ब्लूइश ग्रे जैसा कलर हो जाता है ठीक है so, सो ये कॉलरा सो so, कॉलरा का भी आउटब्रेक जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो एटीन सेवनटीन में हुआ था पर्टिकुलरली जगह अगर आप बोला जाए तो कैलकटा में नेक्स्ट है आपके डिप्थेरिया डिप्थेरिया जो है वो बैक्टीरिया कॉर्नी बैक्टीथी सॉरी कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया से हुआ होता है ठीक है सो ये जो है अफेक्ट करता है नोज का और थ्रोट का थ्रोट पे ही इफेक्ट करता है होता क्या है अगर आप अंदर से देखो थ्रोट को तो एक वाइट कलर का म्यूकस जो है वो फॉर्म करना शुरू हो जाता है थ्रोट के अंदर ठीक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर और धीरे धीरे ये म्यूकस जो है इतना ज़्यादा आता है कि ये जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको ये ब्लॉक कर देता है ठीक है so, सो बाद में क्या होगी रेस्पिरेटरी कोई डिजीज हो जाती है नेक्स्ट है आपका वूपिंग कफ वूपिंग कर्फ जो है ये होती है आपको बॉडी बॉडी टेला पर्टेसिस डिजीज बियाज है, है उससे होती है इसमें क्या होता है पर्टिकुलर ये डेंजरस जो है सिर्फ इन्फेंट्स में ही है छोटे बच्चों में ही ज़्यादा देखा जाता है इसको डेंजरस वहीं पे माना जाता है और ये एक तरह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है होता क्या है इसमें थोड़ा तो रुक रुक के खांसी आती है जैसे उसे इस तरह से रुक रुक के खांसी आती है वूपिंग कफ में ठीक है सो so, ये तो हो गई आपकी पूरी बैक्टीरियल डिजीज सो so, अब बैक्टीरियल डिजीज को याद करने की ट्रिक क्या है सो so, आप इसमें भी एक फ्रेज देखो साइंस ट्यूशन टीचर गिव्स पीपीटी ऑन एल सी डी वर्किंग अब आप साइंस से एस वर्ड ले लो एस वर्ड से आ गया आपका साइफिल्स ट्यूशन से टी वर्ड ले लो टैटनस टीचर से भी टी वर्ड लो टाइफ गिव्स से जी वर्ड लेके आप गॉर्निया पीपीटी तीन पी है निमोनिया प्लेग ट्यूबरक्लोसिस और फिर एल सी डी एल सी डी से लैप्रेसी कॉलरा डिप्थीरिया और वर्किंग का डब्ल्यू वूपिंग कफ सो इससे फ्रेज से आपको याद रहेगी कौन कौन सी डिजीज जो हैं वो बैक्टीरिया कॉज करती हैं साइफिल्स, टेटनस, टाइफॉइड गॉर्निया निमोनिया प्लेग ट्यूबर क्लासिसप्रिस कॉलरा डिप्थीरिया वोपिंग कफ सिर्फ एक फ्रेज याद करने से साइंस ट्यूशन टीचर गिफ्टी ऑन एलिंग से ही आपको येगी पूरी पूरी किससे करती है आपका जो डिजीज जो है ओके इससे पहले अब आगे वाले देखो आप आपको पता ना चाहे पैथजें क्या होते हैं ठीक है सो so, पैथजें क्या होते हैं पैथजें जो है ये ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कॉज करते हैं डिजीज को जो हमने अभी तक पढ़े ही हैं पैथोजेंस ही पढ़ रहे ना वायरसेस हो गया ठीक है ये आपके बैक्टीरिया हो बैक्टेरिया ये क्या है पैथोजेंस हैं अब टर्म है होस्ट क्या होते हैं होस्ट जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं दैट द माइक्रोब्स अटैक जिस जो माइक्रोब्स जिस ऑर्गेनिज्म को अटैक करते हैं उसको बोलते हैं होस्ट देन टर्म है आपकी पैरासाइट पैरासाइट so, जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन बॉडी ऑफ होस्ट एंड डराइव न्यूट्रीशन्स फ्रॉम द होस्ट अब पैरासाइट जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी होस्ट हुए उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं और बॉडी में रह के जो है होस्ट का पूरा न्यूट्रिशन जो ले लेते हैं बट आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि पूरा न्यूट्रिशन ले लिया तो वो होस्ट को मार ही देते होंगे पैरासाइट तो मारते भी नहीं है बट हाँ समाइम मार भी देते हैं बट हंड्रेड परसेंट मारते भी नहीं हैं So, ये हो आपकी पैरासाइट देन टर्म आएगी वेक्टर वेक्टर जो है ऐसे होते हैं ऐसे मलेरिया का एग्जाम्पल लो ठीक है सो मलेरिया का होस्ट क्या है ठीक है सबसे पहले मलेरिया का पैरासाइट क्या मलेरिया का पैरासाइट क्या है प्लाज्मोडियम ठीक है सो प्लाज्मोडियम जो है वो किस में रहता है हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर रहेगा ठीक है ना सो so, होस्ट क्या हुआ इसके ह्यूमंस जो इसके होस्ट हुए पैरासाइट प्लाज्मोडियम होस्ट क्या हुआ ह्यूमन अब ह्यूमन के अंदर इस पैरासाइट को लाता कौन है इस पैरासाइट को लाने वाले क्या हुए वेक्टर तो वेक्टर कौन से हैं एनोफिलिस मस्किटो लाता है सो एन मस्किटो क्या हुआ इसका वेक्टर हुआ ठीक है so, सो ये टर्म्स जो इनको याद रखना सो क्या अब है डिजीज़ काज बाय प्रोटोजोआ सो so, प्रोटोजोआ से जो आपको डिजीज़ होती हैं वो हैं आपकी काला अज़र सो so, काला अज़र जो है लाशमिनिया दोनों वनाए से होता है सो so, इसका वेक्टर जो है फ्लाई सैंड फ्लाई जो है वो इसको लेके आती है डिजीज़ ठीक है वो इसके पैरासाइट को कैरी करती है देन ट्राइकोमोनासिस की ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से होता है जे आर डी एसिस जो है जे आर डी से होता है जे आर डी आर जो है लेम्बियालिस जो है ये डिजीज़ जो है आ, इससे जो है इन्फेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इन्फेक्शन होता है और ये भी कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से होती है डिज़ीज़ ओके सो जनरली जहाँ पे पूर्व सैनिटेशन या उनसे वाटर की प्रॉब्लम होती है वहाँ ये जे आई डी एसिस डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ये वाला प्रोटोसोआर जो है आपका जे आर डी या जो है ये वहाँ के वाटर में आता है ठीक है नेक्स्ट है आपकी डिजीज मलेरिया सो मलेरिया जो है इसका वेक्टर क्या है आपका एनोफिलीज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ठीक है फीमेल बोलना इंपॉर्टेंट है राइट सो और ये प्रोटोजोआ कौन सा है इसका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके देन आपका एमसिस एमोब या फिर एमोबिक डायसेंट्री बोल देते हैं सो so, ये जो है ये भी स्प्रेड होती है आपकी कंटेमिनेटेड अनकुक वाटर से या फूड से सॉरी अनकुक फूड से यार वाटर से सो इसके वेक्टर्स होते हैं आपकी फ्लीज हो गया कॉकरोचेज हो गए रोडेंट्स हो गए है ना रैट वगैरह उनसे ही हो जाती है और इसका प्रोटोजोआ कौन सा होता है इसका प्रोटोजोआ आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ठीक है द नेक्स्ट डिजीज़ है आपकी स्लीपिंग सिकनेस तो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो आपकी सी सी फ्लाई से या कोई इसको टीसी टेसी फ्लाई भी बोल देते हैं इससे होती है और इसमें जो है प्रोटोजोआ आपका ट्राइपोनि जो, जो, ट्राइप जो है वो इन्वॉल्व होता है सो so, अब प्रोटोजोआ को याद करने की ट्रिक है करन, टेक गुड मार्क्स एंड सो का के ले लेंगे कला अजर टेक का टी गुड सी जी आरडीज मार्क्स का एम तो मलेरिया एंड से आ जाएगा आपका स्लीपिंग सिकनेस आपको याद रहेगा की डिजीज कौन कौन सी है। okay? Next है आपकी हल्मिंथस। so, उनसे कौन सी आपकी डिजीज होती है सो so, ये होती है एनसाइक्लोस्टोम जो की आपका जो हुआ एनसाइक्लोस्टोमैटा उसकी वजह से होती है आपकी बॉडी के अंदर ये चला जाता है देन आपको ये डिजीज होती है देन है आपकी एस्करियास एस्करियसिस जो एस्केरिस राउंड वाम होता है उसकी वजह से होती है ड्रैक्यूनक्यूलियसिस जो है वो ग्यूनिया वार्म की वजह से होती है टेनियासिस जो है वो टेप वाम की वजह से होती है और ब्ली जिसको आप सिस्टोसोमियसिस भी बोल देते हो वो आपको सिस्टो सोमा मैंने की वजह से होती है ये सारे जो हैं आपके वॉर्म्स हैं और इनको याद करने की ट्रिक है ऑल आर्मी डॉक्टर थैंक बिली सो ऑल का ए ले लो तो वो आ गया आपका एनसाइक्लोस्टोमसिस आर्मी का ए तो एस्केरियासिस डॉक्टर का डी तो ड्रैग डूनोक्यूलियसिस थैंक का टी तो सियटेनिएसिस और बिली का बिल हेजिया ओके okay, सो so इसको याद करने के लिए भी बहुत इजी ट्रिक है ऑल आर्मी डॉक्टर थैंक बिली नेक्स्ट है आपकी डिजीज जो आपको फंगस से होती है सो so, फंगस से होने वाली डिजीज है फर्स्ट आपकी बाल्टनेस सो so, बाल्डनेस होती है कौन से फंगस से टीनिया कैप्टिस से देन आपकी एस्परजिलियोसिस ये एस्परजिलिस फंगस है उससे होती है एथलीट फुट जो आपकी टेनिया पेडिस से होती है सो एथलीट फूड को एथलीट फूड इसलिए डिजीज़ का नाम इसलिए दिया है क्योंकि एक एक इन्फेक्शन है आपका फंगल इन्फेक्शन जो आपके टोज में होता है ठीक है पैरों के टोज में होता है जनरली जो एथलीट होते हैं उनके पैर ही कवर रहते हैं ना आ, हमेशा कवर वो शूज़ पहन के रहते हैं ना सो so, इसीलिए भी इसको एथलीट फूड डिजीज़ बोल देते हैं सो so, अगर पैर जो है वो कवर रहेंगे तो आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आएगी तो स्वेटिंग होने से ये डिजीज जो है ये फंगस जो ज़्यादा फैलती है ठीक है नेक्स्ट है आपका रिंग वार्म रिंग वार्म जो है ट्राइकोफाइटॉन से होता है सो ये जो रिंग वॉर्म जो है ये स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से होती है ये बीमारी जो है ठीक है सो जो ये फंगस है एक्चुअली जो आपका ट्राइकोफाइटॉन ये जो कैरेटीन है ना ये उसको खाती है तो कैरेटीन कहाँ कहाँ होता है बॉडी में पता होना चाहिए सो कैरेटिन आपकी स्किन में कैरेटीन है स्कैल्प में कैरेटिन है हेयर्स में कैरेटिन है नेल्स में कैरेटीन so, है ना सो जहाँ जहाँ फंगस ये सॉरी कैरेटीन है वहाँ वहाँ ये फंगस आती है लास्ट है आपकी स्कैबीज तो स्कैबीज है आपकी एक्स स्कैबीज नाम की जो फंगस है ये उससे होती है सो so, इसको याद करने की ट्रिक है, बार्स, so, bars, याद करना है। इसमें कोई फ्रेज भी याद नहीं करना बार्ज है वर्ड याद करना है बी से आ जाएगा बाल्टनेस ए से आ जाएगा एसपजिलासिस ए से आ जाएगा एथलीट फुट आर से आ जाएगा रिंग वॉर्म एंड एस से आ जाएगा स्कैबीज सो so, ये हो गया आपकी फंगस डिजीज सो दैट्स इट फॉर टुडे बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो so, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ स्टे पॉजिटिव स्टे हैप्पी